वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव आर्ट एंड साइंस। देखिए आज अभी बहुत सारा मॉनिटर आया है, तो उनमें से एक मैं रिपेयर कर रहा हूँ अभी। ये एलजी का एक मॉनिटर, इसका मॉडल नंबर देख लीजिए, 16M35A-B। इसका ये मॉडल नंबर है। ये डीसी पावर सप्लाई में डायरेक्ट जाता है अडाप्टर से, और यहाँ पे देखिए डीसी पावर सप्लाई डीसी इन लिखा है यहाँ पे, और ये एक वीजीए कनेक्टर है। तो सबसे पहले हम लोग इसको चेक करेंगे। ये तो अलग ही चल रहा है, पर चेक करने का जो तरीका है उसे मैं स्टेप बाय स्टेप करके आपको बताऊंगा, और क्या दिक्कत है उसे भी देखूंगा और उसे रिपेयर करूंगा आपके सामने, और उसके बाद आपको बताऊंगा इसकी पूरी डिटेल्स। तो आप अगर ऐसा प्रॉब्लम है और फिर दूसरा प्रॉब्लम है, तो तब इस वीडियो को पूरा का पूरा देखने के बाद आप कुछ भी रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मल्टीमीटर लेना होगा आपको, और 20 वोल्ट डीसी में आपको रखना होगा, क्योंकि 19 वोल्ट आता है यहाँ पे, और 1 एम्पियर से भी कम एम्पियर आता है। और यहाँ पे वोल्टेज आप नापेंगे तो देखिए 19.24 वोल्टेज, मतलब बराबर वोल्टेज आ रहा है। तो अब इसे यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए अभी नो सिग्नल दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखिए ये जो पैनल है, इस पैनल का दिक्कत है इसमें। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो पैनल है इसमें प्रेस करने के बाद ये कुछ काम नहीं कर रहा है। ओके, आप देख ही सकते हैं यहाँ पे कुछ काम नहीं करता है। तो वीजीए केबल लगाना होगा, कभी कभी वीजीए केबल नहीं लगाया तो काम नहीं करता है वो वाला फ्रंट पैनल, मतलब पावर के सिवा और कुछ नहीं काम करता है। तो ये देखिए मैं लगाया, और ये देखिए अभी ऑटोमेटिकली चेंजेस हो रहा है, बराबर ऑटोमेटिकली चेंजेस हो रहा है, दिखाई दे रहा है आपको। तो दोस्तों अब ये क्यों नहीं काम कर रहा है ये आपको समझा देता हूँ। इसी में से यहाँ पे देखिए एक पावर का है, ये यहाँ पे देखिए एक पावर का है, और दूसरा है इनपुट, और तीसरा है ऑटो, और ये वाला है फंक्शन, उसके बाद है रीडर, उसके बाद है मेनू। ठीक है, आप शायद आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है, तो एक मिनट रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से। पर मेरे को ये जो बैक बेस है इसे खोलना होगा। ये देखिए दिखाई दे रहा है बराबर, और यहाँ पे देखिए प्रिंटिंग करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चेंजेस हो रहा है बराबर। तो इसमें एक स्विच, मतलब ये राइट एरो वाला स्विच एकदम शॉर्ट सर्किट हो चुके हैं, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो उसे हम डिस्कनेक्ट करेंगे या फिर उसे चेंज करेंगे तो ये सही हो जाएगा। तो इसके लिए सब कुछ डिस्कनेक्ट करेंगे सबसे पहले, और इसे खोलने के लिए आपको कुछ टूल्स की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ इसे कैसे खोलते हैं। ठीक है, और ध्यान से इस वीडियो को देखिए, और इसे रिपेयर करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें और क्या क्या प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो और मैं देखिए इसे निकाल दिया, आसानी से ये निकल जाता है। ठीक है, बहुत आसान है, पर ये जिसका है वो खोलने की कोशिश किए थे वो खोल नहीं पाए थे। ठीक है, लेकिन मैं एक ही झटके में इसको खोला, और ये देखिए एक सिंपल सा बोर्ड है, और ये देखिए दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए इसका पैनल। ओके, मतलब कि स्विच पैनल बराबर, ये जो स्विच पैनल है इसे हम लोग निकालेंगे, लेकिन एक बार देखेंगे ये स्विच, मतलब 1, 2, 3 नंबर वाला स्विच में प्रॉब्लम हो रहा है। मैं देखा राइट साइड में जा रहा है, तो राइट साइड का जो स्विच है ये वाला है, बराबर दिखाई दे रहा है। तो इसे खोलेंगे, यहाँ पे लॉक होता है और इसे ऐसे खोलना पड़ता है। तो इस साइड से 3 नंबर पिन ये वाला है, तो ये शायद प्रेस हो रहे थे, और फिर यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है। तो अगर शॉर्ट सर्किट है तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या है इसमें। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, और ये जो मल्टीमीटर दिखाई दे रहा है इसको आपको रखना होगा बाजार की मोड में, तो ये कंटिन्यूटी चेक हो जाएगा इसमें से। तो इसके लिए दोस्तों इसे टच करने के बाद देखिए साउंड आता है। तो इसे 3 नंबर स्विच में टच करके देखेंगे ऐसे करके, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और प्रेस करके देखेंगे स्विच काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, काम कर रहा है, छोड़ दिया, अभी अभी आवाज नहीं आ रहा है। और इसे भी ऐसे चेक करेंगे, काम कर रहा है, दबाने के बाद ये काम कर रहा है अच्छे से, और फिर इसे भी चेक करेंगे,
और इसे भी बराबर काम कर रहा है। और इसे भी चेक करेंगे, बराबर काम कर रहा है। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी मॉइस्चर पड़ चुका है दो तीन स्विच में, तो मैं दो तीन स्विच को, हर एक को नहीं, दो तीन स्विच को अभी ड्राई हटाऊंगा, मतलब कि इसे अच्छे से सोल्डरिंग करूंगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल हो जाएगा। ये एक मिनट का काम है, एक दो मिनट का काम है। बराबर, सॉरी, ये देखिए हो चुका है। और अब आपको मैं टेस्ट करके दिखा सकता हूं, पर यहां पे देख लीजिए एक बार, ये एकदम छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा लॉजिक कार्ड है, मतलब वीजीए बोर्ड जो है ये एकदम छोटा सा है। और इसमें क्या क्या फंक्शन है मैं आपको दिखाता हूं। अगर चालू नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब जल चुका है। तो सबसे पहले आपको नापना होगा ये जो है, मतलब ये आपको सिर्फ समझा रहा हूं, मतलब इसका जो काम है वो बिल्कुल हो चुका है पर आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो इसे एक बार समझ लीजिए, यहाँ पे एक पावर आईसी है, बराबर देख लीजिए एक बार पावर आईसी। और इस ये जो कॉइल है 100 ओम्स का, इसे ट्रिगर करता है। और यहाँ पे डायरेक्टली ये देखिए एक कैपेसिटर है 6835 वोल्ट दिखाई दे रहा है, इसमें डायरेक्टली पावर जाता है और ये आईसी में डायरेक्टली इंसर्ट होता है और इसमें से ये जो कॉइल है इसमें आता है और सभी जगह पे वो कन्वर्ट होता है या फिर ट्रिगर होता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो ये जो ऑन होता है, अगर सब कुछ ठीक है तो ऑन नहीं हो रहा है तो ये जो क्रिस्टल है इसकी वजह से ये ऑन होता है। तो अगर ऑन नहीं हो रहा है ऐसे में तो क्रिस्टल को आप डिसोल्डरिंग कर सकते हैं या फिर इसे नया लगा सकते हैं। ठीक है, और ये अगर कंट्रोल आईसी अगर खराब हुई है तो आपको नहीं मिलेगा, अगर मिल भी जाए तो हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे ये बायोस है, ठीक है, एकदम बराबर और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो मैं आपको अभी ऐसे ही लगा के दिखाता हूं। ये देखिए लगाया, ये फ्रंट पैनल का कनेक्टर, और अभी लगाऊंगा इसका जो एडेप्टर, इसे लगाऊंगा। ये लगाया एडेप्टर और अब ये देखिए पावर आ चुका है, बराबर। और अब यहाँ पे इसे इंसर्ट करूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, मैं जूम आउट करता हूं, ये देखिए साइड में डिस्प्ले, मतलब कि ये डिस्प्ले सेटअप नहीं हुआ है, पर यहाँ पे जो जा रहा था ऑटोमेटिकली वो अभी नहीं जा रहा है, तो इसे ऑटोमेटिक कर देंगे, बराबर। ये देखो ऑटोमेटिक एडजस्ट कंप्लीटेड दिखाई दे रहा है पर ये नहीं हो रहा है, इसे बंद करके एक बार और चालू करना होगा, तब भी नहीं हो रहा है, तो एक बार रिसेट करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मेनू काम कर रहा है, लेकिन इसे अभी थोड़ा सा सुधारना होगा, मतलब इसमें कुछ दिक्कत हो रहा है।
ये देखिए बराबर काम कर रहा है, तो ये सब कुछ सभी फंक्शन अच्छे से काम कर रहा है, आप देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव हार्डवेयर एंड सर्टिस्ट, बाय बाय। ओके ये देखिए बिल्कुल काम कर रहा है, बराबर सब कुछ काम कर रहा है ना। तो और कोई रिपेयरिंग करने में आपको दिक्कत हो रहा है तो आप मेरे को बताइए, और कमेंट्स बॉक्स में आपका नंबर लिख दीजिए, अगर मेरे साथ आप बात करना चाहते हैं तो मैं आपको कॉल करके बताऊंगा, पर आपको इंडिया में होना जरूरी है।